फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ हाइब्रिड विनका के कुछ सीड्स ग्रो हुए थे तो उन्हीं को रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो किस तरह के मीडियम में उसको लगाने वाली हूँ ताकि बारिश के लिए मेरे प्लांट बहुत ही अच्छे हेल्दी रहें और बिल्कुल ख़राब ना हो, तो मैं आपको मीडिया शेयर करूँगी आपके साथ। और प्लांट काफ़ी अच्छे हेल्दी ग्रो हो रहे हैं, सीडलिंग ही है, मतलब ऐसे सीड प्लांट से निकाले थे और डाल दिए थे तो वो काफ़ी अच्छे ग्रो हो गए हैं। तो काफ़ी टाइम से पड़े थे, अभी तक मुझे रिपोर्ट भी कर लेना था लेकिन पड़े रह गए वो। तो चलिए मैं उसको रिपोर्ट करने वाली हूँ और साथ में कुछ केयर टिप्स भी शेयर करूँगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मेरे हाइब्रिड हिबिस्कस और देसी जो भी हैं बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। देखिए पर्पल वाले में तो रोज़ ही एक दो फूल रोज़ ही आए रहते हैं और उधर पिंक वाले में भी खिल रहे हैं। तो ये देखिए, ये भी सारे मेरे सीड ग्रोन प्लांट हैं जो मैंने कुछ टाइम पहले सीड ग्रो किए थे और अभी बस ऐसे गमले में डाल दिया था और ज़्यादा तो नहीं ग्रो हुए, सिर्फ 3 प्लांट ही यहाँ पर ग्रो हुए हैं। एक प्लांट इसमें भी अपने आप से ही ग्रो हो गया। ये देखिए इसका कलर इस तरह का है, बहुत प्यारा सा है, तो अपने आप ही ग्रो होते रहते। ये डहलिया का प्लांट था, सॉरी पॉट था, उसी में ही अपने आप ग्रो हो गए। तो इसको मैं अलग से आज सेपरेट कर दूँगी। तो ये देखिए, चलो हम उसको ले कर चलते हैं। तो अगर एक प्लांट होता तो मैं इसी गमले में छोड़ देती, लेकिन इसमें 3 प्लांट है तो मुझे इनको अलग अलग करना ही पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ पर, तो मैं आपको मीडिया बता देती हूँ यहाँ पे क्या मीडिया यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने थोड़ा सा कोकोपीट लिया है, लगभग 2-3 मुट्ठी के बराबर, इतनी राइस हस्क ली है और वर्मी कंपोस्ट नहीं यूज़ कर रही मैं यहाँ पर, किचन वेस्ट कंपोस्ट। तो मैंने इसको छान लिया है थोड़ा सा, ये देखिए, और बहुत अच्छे। मैंने तो डायरेक्ट किचन वेस्ट कंपोस्ट में ही कुछ प्लांट लगा के रखे हैं तो चल रहे हैं, जो मेरे विनका के प्लांट हैं। तो ये मतलब बहुत ही अच्छा कंपोस्ट है और पूरा देखिए कितना अच्छे से। तो ये थोड़ी सी सैंड भी ले आई, देखिए तो इतनी सैंड भी हमने इसमें डाल दिया। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें फंगीसाइड पाउडर डालना ज़रूरी है क्योंकि विनका प्लांट के लगभग 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर हम इसमें डाल देंगे। नीम खली है तो नीम खली भी आप डाल सकते हैं इसमें, डाल दीजिए, मेरे पास अभी नहीं है नीम खली। तो ये देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हम इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इस तरह के मीडियम में अगर आप अपना हाइब्रिड विनका लगाएंगे तो काफ़ी वेल ड्रेन सॉइल भी तैयार होगी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। मैं ज़्यादा सबसे ज़्यादा इसमें राइसेस की ले रही हूँ और कर लेंगे हम इसको। तो मैंने मिट्टी बिल्कुल भी ऐड नहीं की है, तो अगर आप इस तरह की मीडिया बनाते हैं तो उसमें मिट्टी ना मिला है। ये देखिए थोड़े से कंकड़ मैंने डाले हैं इसके नीचे और इसी में ये मीडिया हम भरेंगे। प्लांट को निकालते हैं बिना रोड को डिस्टर्ब करे। ये देखिए तीनों प्लांट एक साथ आ गए, तो इनकी मैं रूट्स नहीं ओपन करूँगी। जो मिट्टी इनमें भी सैंड ही सैंड है, जो मिट्टी और सैंड लगी है, ये कोकोपीट सैंड और किचन वेस्ट कंपोस्ट है। देखिए इसकी रूटिंग कितनी ज़्यादा हेल्दी ग्रो हुए हैं प्लांट मेरे। तो थोड़ा सा गहराई में ही लगाना है क्योंकि प्लांट थोड़े लंबे हो चुके हैं और अभी मैं इनकी पिंचिंग भी कर देने वाली हूँ। तो इस तरह से रख करके प्लांट को और चारों तरफ से मीडिया को हमको भर देना है। आप इसमें चाहे तो वर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हैं। तो मेरे पास किचन वेस्ट कंपोस्ट अवेलेबल था तो मैंने उसी को यूज किया है, क्योंकि वैसे ही बारिश में पड़े पड़े यहाँ पे भीग ही रहा है, भीग जाएगा यानी, अभी तो बारिश शुरू भी नहीं हुई है। ये देखिए कितना अच्छे से हमारा एक प्लांट लग गया और कितना हेल्दी सीडलिंग है। ये देखिए बहुत ही हेल्दी सा प्लांट है। तो ये देखिए इसी तरह दूसरा प्लांट भी हम लगा लेंगे। ऊपर से दिखाना बापू, देखिए यहाँ पे मेरा एक साल्विया का प्लांट भी ग्रो हुआ है छोटा सा। ये देखिए कितनी अच्छी रूटिंग हुई है इसकी। ये देखिए थोड़ी सी खुल गई क्योंकि मिट्टी सूख गई थी, तो बस हम इसको इस तरह से होल बना करके इसको रखेंगे इसमें। और ये देखिए हमारा प्लांट लग गया। तो
बारिश के लिए बहुत ही अच्छा मीडिया है। अगर आप लगाना चाहें तो राइस हस्क में लगा सकते हैं प्लांट को, लेकिन हाँ राइस हस्क आपका थोड़ा सा डिकम्पोज होना चाहिए, मतलब पुराना होना चाहिए, लगभग 3-4 महीने का पुराना। उसको आप थोड़ा सा भिगा करके रख दीजिए तो इस तरह से ब्लैक कलर का हो जाता है। फिर उसमें प्लांट ये अपने आप में ही एक फर्टिलाइजर बन जाता है जो गुण वर्मी का। तो ये देखिए, बेटे को बुलाए थे वीडियो बनाने के लिए लेकिन भाग गया, बहुत शैतान। इसकी रूट्स पूरी ओपन हो गई है और बस कोई बात नहीं, ये और अच्छे से चलेगा बाद में। अभी और एक दिन हमको इसको कम से कम छाया में ही रखना है प्लांट को, उसके बाद ही डायरेक्ट सनलाइट में हम इसको रखेंगे, जब तक हमारा प्लांट अच्छे से सेट नहीं हो जाता। रूट्स थोड़ी सी ओपन हो गई है तो थोड़ी सी अभी इसको दिक्कत होगी, क्योंकि मैं सुबह के टाइम ही रिपोर्ट कर रही हूँ, शाम को टाइम नहीं मिल पाता, भूल जाती हूँ। और ये देखिए अब इसे पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा और प्लांट हमारा काफ़ी अच्छा हेल्दी ग्रो होगा। एक प्लांट हमारा और है, उसको भी ले आती हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पर ये डहेलिया के पॉट में लगा है, देखती हूँ बल्ब ना डैमेज हो जाए डहेलिया का। तो ये देखिए ये आ गया बहुत ही आसानी से। ये देखिए इस तरह से हमने इसको भर दिया है और बस प्लांट को ऐसे रख देंगे सीधा सीधा। देखिए नीचे से इसमें कितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकल रही हैं, ये वाला काफ़ी ज़्यादा बुशियर है, बाद में मैं इसकी पिंचिंग भी कर दूंगी। और देखिए ऐसे मीडियम में आप अगर आप अपने हाइब्रिड विनका को लगा देते हैं तो ये बिल्कुल भी ख़राब होने के चांस नहीं रहेंगे, क्योंकि इनमें पानी रुकेगा ही नहीं, बहुत ही आसानी से ड्रेन हो जाएगा। तो बस इतना ही आपके साथ शेयर करना था कि आप भी अपने हाइब्रिड विनका को इस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं बिल्कुल अच्छा सा मीडिया तैयार करके। तो इनको रिपोर्ट करने के बाद आप छाया में ही रखिए, कम से कम 1-2 दिन आप छाया में रखिए, क्योंकि रूट्स ओपन हो गई है थोड़ी थोड़ी और थोड़ा सा देखिए मुरझाना भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी बिल्कुल धूप निकल आई है तेज। और शाम को करती तो रात भर में बहुत अच्छे से सेट हो जाते, लेकिन कोई बात नहीं हो जाएंगे। तो अभी हमने इनको प्लांट के बीच में छुपा के रख दिया है और बस ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगे और इसी तरह से फ्लावरिंग भी करेंगे। तो बस यही आपको करना है, अभी आप इस टाइम पे सीड भी इनके लगा सकते हैं चाहे तो, या तो आप इनको नर्सरी से भी ला सकते हैं और थोड़ी पिंचिंग कर देंगे तो प्लांट आपका घना भी हो जाएगा, काफ़ी अच्छे से घना हो जाएगा। तो बस यही करना है आपको, और बीच बीच में फंगीसाइड का स्प्रे भी करते रहिए ताकि आपके प्लांट काफ़ी अच्छे हेल्दी रहें, बारिश से बचे रहें। बारिश के लिए हमने इस तरह का पॉटिंग मिक्स तैयार किया है जिससे बारिश में प्लांट हमारे ख़राब ना हो। और ये वाला तो मेरे मिट्टी सैंड और इसी तरह से राइस हस्क में लगा, लेकिन इसमें मिट्टी भी मिक्स है, पर इनका भी पॉटिंग मिक्स बहुत ही वेल ड्रेन है और देखते हैं कब तक में ये अच्छे से कब तक चलते हैं। तो बस फ्रेंड्स इतना ही आपके साथ शेयर करना था, अच्छे से आप ध्यान दीजिए अपने प्लांट के। और यहाँ की फ्लावरिंग मैंने आपको दिखाई, आज बहुत सारे फूल खिले हुए हैं मेरे ये डबल पेटल हिबिस्कस में, पूरे देखिए फूलों से भरा हुआ है।